दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई के सामने मेंशन किया है, जिस पर आज दोपहर 3:50 पर सुनवाई होगी। वहीं सीबीआई ने सिसोदिया से आज फिर पूछताछ शुरू कर दी है। शराब घोटाले के कई आरोपियों से हुए पूछताछ के आधार पर सवालों की अब एक नई लिस्ट तैयार की गई है, जिनके जवाब सिसोदिया से जानने की कोशिश में सीबीआई जुटी हुई है। सिसोदिया 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर है। दिल्ली के शराब घोटाले की जांच की आंच अब महाराष्ट्र पहुंचती हुई नजर आ रही है। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने तत्कालीन उद्धव सरकार पर निशाना साधा, उन्हें घेर लिया। शेलार ने ट्वीट कर पूछा कि दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी शराब खैरात बांटी गई, विदेशी शराब पर टैक्स माफ किया गया, बार पब पर टैक्स रियायत दी गई, यहां तक कि किराने की दुकानों में शराब बिक्री की इजाजत दी गई, क्या इसकी भी फाइल खोली जाएगी? यही नहीं, शेलार ने उस दौरान केजरीवाल की उद्धव से मुलाकात पर भी सवाल खड़े किए। प्रयागराज में उमेश मर्डर के आरोप में पुलिस ने सदाकत खान नाम के वकील को गिरफ्तार किया है। पूछताछ उससे की जा रही है। सदाकत ने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए। मर्डर का प्लान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के रूम नंबर 36 में बना। जेल से अतीक अहमद और अशरफ फ्रीडम ऐप से सीख कर, क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपके जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदाकत के साथ जुड़ना, यह भी एक खुलासा है। वहीं वारदात में इस्तेमाल कार नफीस की है, जिसे उसने कुछ समय पहले रुखसार नाम की एक महिला को बेचा था और दोनों ही अब फरार चल रहे हैं। वहीं सदाकत खान के साथ अखिलेश की फोटो वायरल होने पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 48 घंटे में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या का बदला ले लिया। संजय शर्मा को गोली मारने वाले आतंकी अकीब मुस्ताक बट को सुरक्षा बलों ने आज सुबह मार गिराया। अकीब मुस्ताक बट हिजबुल मुजाहिदीन और टीआरएफ के लिए काम कर रहा था। सुरक्षा बलों को आतंकी अकीब के अवंतीपोरा में छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। रविवार को आतंकवादियों ने पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या कर दी थी। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा की शाही ईदगाह विवाद में अब ये केंद्र में है। आज मथुरा में एडीजे कोर्ट 6 में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस की सुनवाई होनी है, जिसमें याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप ने शाही ईदगाह के सर्वे की मांग की है। वहीं मुस्लिम पक्ष केवल केस के मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल पर सुनवाई की मांग कर रहा है। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों को सुनेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने आज चौथे पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। ये सेशन ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी पर हुआ। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल क्रांति से देश को काफी फायदा हुआ है। आज करोड़ों गरीबों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर होता है, जिससे गरीबों वंचितों का विकास हो रहा है। टेक्नोलॉजी से टैक्स प्रक्रिया आसान हुई है और सरकार की नीतियों का समाज पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। सरकार लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा भी रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र के शुरू होते ही सियासी जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। आज महाअघाड़ी विधायकों ने प्याज और कपास किसानों के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। विधायकों ने प्याज और कपास की मालाएं पहनकर विरोध व्यक्त किया और सरकार पर समय से एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं बनाने का आरोप लगाया। अजीत पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे के अलावा सुनील प्रभु और अनिल देशमुख समेत बड़ी संख्या में विधायक जुटे। विधायकों ने मुख्यमंत्री शिंदे के पहुंचने पर नाराजगी भी जाहिर की। गौरक्षकों की तुलना आतंकवादियों से कर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी फंस चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ओवैसी के भाषण फ्रीडम ऐप से सीख कर, क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपके जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जांच कराने का फैसला किया है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ओवैसी ने रविवार को मुंबई की एक रैली में गोरक्षकों को आतंकवादी बताया था। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार ने गोरक्षकों के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है, जिनका मकसद मुसलमानों को मारना है। दिल्ली के नजफगढ़ के रणहौली इलाके में बदमाशों की फायरिंग में हितेश नाम के शख्स की मौत हो गई। इलाज के दौरान हितेश ने दम तोड़ दिया। कल शाम बाइक सवार 3 बदमाशों ने केबल ऑपरेटर के ऑफिस में पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने करीब 15 राउंड फायर किए। फायरिंग के दौरान हितेश की 2 गोलियां उसे लगी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद भी हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल की जांच की और आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है और इसी के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है।
कटिहार में बहुचर्चित महिला कांस्टेबल प्रभा भारती हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद हसन उर्फ छोटू और सज्जाद उर्फ रॉकी को नागपुर से कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों को कटिहार लाया गया है। महिला कांस्टेबल प्रभा भारती की 8 फरवरी को कटिहार में टेम्पो से उतारकर बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि प्यार और फिर ब्रेकअप के चलते हसन ने इस घटना को अंजाम दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।